स्वागत करता हूं गाइस आपका एक अनदर वीडियो में। और आज यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इन मेगलासोरस को ब्रीड कराने वाले हैं। तो ब्रीड कराने का रीज़न क्या है, मैं देखना चाहता हूं क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब जो डे है, डे में भी ये सब के सब जो बेबीज होते हैं इनके, वो भी स्लिप मारते हैं या फिर नहीं, अगर स्लिप करते हैं तो कैसे, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वाली वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे एक फेरोमोन्स खरीदना पड़ेगा। फेरोमोन्स मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो है हैचिंग का टाइम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमें जो है बार बार इनको स्टॉप करना ना पड़े। अगर आप लोग मल्टीप्लेयर खेल रहे हो तो शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मगर अगर आप लोग जो है नॉर्मली सोलो वगैरह खेल रहे हो तो फिर आपके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। खैर, यहाँ पर मैंने इसको वेकअप कर दिया है और मैं इसको फेरोमोन्स दे देता हूँ पहले, तो अदरवाइज़ ये इधर उधर जाने लगेगा। चलिए, फेरोमोन्स दे दिया मैंने और फिर से स्लीप मोड में चला गया। एक मिनट रुकिए, मुझे इसे थोड़ा सा और पास में लाना पड़ेगा। यहाँ पे इसको भी इनेबल वंडरिंग मोड में कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब तक आप लोग वंडरिंग मोड इनेबल नहीं करोगे तब तक जो है ब्रीडिंग का प्रोसेस जो है नहीं चलेगा। और इसको भी वंडरिंग मोड में डाल देते हैं। देयर वी गो गाइस, अब मैं इसको वेकअप करता हूँ। अगर ये नाइट रहता तो ज़्यादा स्मूथली हो जाता, ये डे है इसलिए जो है दिक्कत हो रही है। चलिए, वैसे यहीं पर भी प्रोसेस शुरू हो गया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहा है और ये थोड़ा सा ख़तरनाक हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, आई थिंक मुझे क्या लग रहा है ना कि ये सब डे में वो हो ही नहीं सकते। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। और मेटिंग का प्रोसेस जितना का उतना ही है या फिर कम हो गया था। मैंने इसको फेरोमोन तो दे रखा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है क्या। अब यह वंडरिंग मोड अपने आप ऑफ हो जा रहा, मुझे क्या लग रहा है कि हम लोग जो है इसको जो है डे में नहीं ब्रीड करा सकते, ऐसा कुछ सीन है। यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा नाइट का, ऐसे मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हमें जो है नाइट का वेट करना पड़ेगा तभी ऐसा प्रोसेस कंप्लीट होगा सारा का सारा। स्लीप डेप्थ दिखा रहा। ओह, मैंने इसको फेरोमोन्स दिया था, फेरोमोन्स मेरा कहाँ गया, एक आ गया क्या। ओके, तो यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया गाइस, यहाँ पे एक जो है हमारा आ चुका है। यहाँ पे देखिए एक जो है अभी हैच होने वाला है, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि एक भाई साहब इतना जल्दी एक आ गया। और इसके ऊपर टाइम दिखा रहा है कि नहीं, टाइम वगैरह भी नहीं दिखा रहा। आई थिंक हम लोग इसे फिर से दोबारा ब्रीड करा सकते हैं, ऐसा कुछ सीन है क्या। चलिए वेट कर लेते हैं, पहले इसके बेबीज़ को आ जाने देते हैं, बहुत जल्दी ये जो है फर्टिलाइज हो जाएगा। और ये बूम, फाइनली जो है मेगासोरस आ चुका है। चलिए देखते हैं, ये भी स्लिप मार रहा क्या। नहीं नहीं नहीं, ये स्लिप नहीं मार रहा, हमें इसे क्लेम करना पड़ेगा। तो इसे मैं तो क्लेम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारे डाइनो हैं, क्लेम कर लिया। चलिए अभी हम लोग ओवर जा रहे हैं, लिमिट से ओवर जा रहे हैं, इसलिए शायद मैं इसे क्लेम ना कर पाऊँ, मैं ये सोच रहा था, मगर क्लेम हो चुका है। मैं इसको फॉलोइंग डिस्टेंस को लोवेस्ट पे डाल देता हूँ। अभी हम लोग इसको इनेबलिंग मोड को ऑफ करते हैं, यह ऑफ हो चुका है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। ऑल राइट, सो इनका इनेबल मोड मैंने ऑफ कर दिया है, मगर ये स्लीप में नहीं जा रहा। ये देखिए जो ये मेगलासोरस का बेबी है वो स्लीप में नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये बड़े वाले डायनो ही स्लीप में जा रहे हैं। मुझे लगा था कि शायद ये स्लीप में जा सकता था, मगर ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा, ये देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसको छोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो, और हमें जो है केबल्स वगैरह इसे देते रहना टाइम टू टाइम। अगर मैं चाहूँ तो इसे 100% इम्प्रिंट कर सकता हूँ अगले 5 मिनट में अंदर, मगर कोई फ़ायदा नहीं इसको इम्प्रिंट वगैरह करने का। और ये मेल है, फीमेल वन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं फीमेल वन को बाद में क्रॉनिकल कर दूंगा ताकि जो हमें स्पेस वगैरह की ज़्यादा दिक्कतें ना आए। ऑल राइट गाइस, तो मैं ज़्यादा इस वाली वीडियो को लंबी नहीं करूँगा, इसको जितना हो सके शॉर्ट से शॉर्ट रखूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार स्लीप मोड में, एक बार नाइट में, कि नाइट में क्या होता है इनके साथ या फिर नाइट में कैसे रहते हैं ये सब। चलिए मैं एक बार स्लीप मार लेता हूं ताकि जो जल्दी से नाइट हो जाए। सो आई डोंट थिंक अब मैं दोबारा सो पाऊंगा, और अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, स्लीप मोड में नहीं जा सकता मैं। अब हमें अपने आप टाइम का वेट करना पड़ेगा, तो वेट कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं कितना टाइम हो चुका है। तो ऑलमोस्ट नाइट होने वाली है, तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हम लोग नाइट का वेट करेंगे ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि और भी आने वाली अपडेट जो है आप बिल्कुल मिस ना कर दें।